कलेक्टर तक पहुंची सास की भूमि पर कब्जे की शिकायत तो करहल एसडीएम ने सिसईपुरा पहुंच हटाया अवैध अतिक्रमण। खबर करहल से है जहां ग्राम सिसईपुरा में मुख्य रोड के निकट सास की भूमि और रास्ते पर कब्जे की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा करहल तहसील में लगातार की जा रही थी, मगर शिकायत के निराकरण में अतिक्रमण हटाना तो बहुत दूर की बात है। कब्जाधारी तक को तहसील में नहीं बुलाया गया, जिसके चलते सास की भूमि को कब्जाए व्यक्ति के हौसले और बुलंद हो गए और उसी जमीन पर नींव खोद कर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। अतिक्रमण पर निर्माण कार्य होता देख ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जब नवागत कलेक्टर लोकेश जांगिड़ से की, तब कलेक्टर द्वारा करहल एसडीएम को कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया, जिसके पालन में करहल एसडीएम उदयवीर सिकरवार द्वारा सिसईपुरा में मौके पर पहुंचकर हो रहे निर्माण कार्य को ढहा दिया गया और सख्त चेतावनी दी गई कि यदि अब कोई भी यहां कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक शिकायत हुई है सिसईपुरा में अवैध अतिक्रमण को लेकर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, इसमें सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? सर देखिए, हमारे को जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण करके उसमें कुछ दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, हमने उसमें जांच कराई थी, भूमि शासकीय थी। पहले हमने उनको रोकने की चेतावनी दी थी कि अपने कागजात हमारे सामने प्रस्तुत करें। इससे पहले कि वो अपने कागजात प्रस्तुत करते, पुनः एक शिकायत हुई कि उन्होंने निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया। मैं कल वहाँ गया था, देखा निर्माण कार्य तो उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है। एक फुट उन्होंने एक दासा टाइप का खड़ा कर लिया था, उसको हमने हटा दिया है और संबंधित व्यक्ति को सख्त चेतावनी दे दी है कि उस भूमि में वो किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसके अलावा सर और कोई चीज़ तो सर नहीं पाई गई है? नहीं, और कोई अन्य चीज़ नहीं है। शिकायतकर्ता एक 6 फुट का रास्ता चाह रहा था, मैंने देखा है रास्ता खुला हुआ है, बाकी शेष कोई अतिक्रमण नहीं था।